अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम ट्रांसपोजिशन टेक्निक्स को देखते हैं कि ट्रांसपोजिशन टेक्निक्स क्या होती हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी बताया था। देखिए, हमारे पास अगर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, प्लेन टेक्स्ट है, लेट्स से हेलो, आप इनके स्पेलिंग्स को रीअरेंज, इनके करेक्टर्स को रीअरेंज कर देते हैं, यानी कि इनकी पोजीशंस को चेंज कर देते हैं। जैसे मैं करता हूँ, मैं लिखता हूँ ई एच एल ओ एल, तो प्लेन टेक्स्ट वाले करेक्टर्स को मैंने रीअरेंज कर दिया तो मेरे पास ये एक आ गया साइफर टेक्स्ट। ये क्या आया? सी टी आ गया, साइफर टेक्स्ट आ गया। तो जब हम प्लेन टेक्स्ट के करेक्टर्स को उनकी पोजीशंस को चेंज कर देते हैं तो ऐसी टेक्निक को कहते हैं ट्रांसपोजिशन टेक्निक्स। क्लियर? सब्स्टिट्यूशन टेक्निक में ये होता था, एक करेक्टर को दूसरे करेक्टर से रिप्लेस किया जाता है, लेकिन इसमें क्या किया जाता है, वही करेक्टर्स होते हैं। जिस तरह हेलो के देखें, जो करेक्टर्स हैं वही साइफर टेक्स्ट में आ रहे हैं, लेकिन उनकी जो तरतीब है वो हमने चेंज कर दी है। तो ऐसी टेक्निक को कहते हैं ट्रांसपोजिशन टेक्निक। इसमें हम पहली टेक्निक देखते हैं जो हमारे पास है, वो है रेल फेंस टेक्निक। बहुत आसान है, सिंपलेस्ट है। क्या करना होता है इसमें, इसमें ये सेंटेंस जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेल फेंस इज अ टेक्निक इन विच द प्लेन टेक्स्ट इज रिटन डाउन एज अ सीक्वेंस ऑफ डायगनल्स एंड देन रीड ऑफ एज अ सीक्वेंस ऑफ रोज। कि आपने क्या करना है, प्लेन टेक्स्ट को डायगनल्स की सूरत में लिखना है और फिर क्या करना है, रोज की सूरत में उसको रीड करना है। समझ नहीं आ रही होगी, अभी हम इसकी एग्जांपल करते हैं तो आप समझ जाएंगे। देखें, ये हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है, मीट मी आफ्टर द टोगा पार्टी, इसको हमने साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। और इसकी जो रेल फेंस डेप्थ है वो 2 है, इसका मतलब है आपने डायगनल की जो लेंथ रखनी है वो 2 रखनी है। अगर रेल फेंस डेप्थ 3 हो तो डायगनल की साइज कितना रखते हैं, 3। क्लियर? तो अब हम इसको समझते हैं कि इसको किस तरह हमने सॉल्व करना है। तो हमारे पास देखें, मैं इसका सोल्यूशन लिखने लगा हूँ। पहला जो करेक्टर आ रहा है वो आ रहा है एम, तो आप लिख लें एम लिख लें। नेक्स्ट करेक्टर क्या है, ई, ई को आपने डायगनली लिखना है, ये इसका डायगनल ये बन रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा ई। इसके नीचे नहीं लिखना, एम के नीचे नहीं लिख रहा, देखें डायगनली लिख रहा हूँ। फिर क्या आ रहा है, ई, दूसरे ई को भी आपने इसके डायगनली लिखना है, ऐसे यहाँ पर आ जाएगा ई। फिर टी आ रहा है, इसके डायगनल पोजीशन ये बनती है, टी लिख दें। एम आ रहा है, एम लिख दें। फिर ई आ रहा है, ई को डायगनल लिख दें। मीट मी आफ्टर ए आ रहा है, यहाँ मैंने ए को लिखा डायगनली। फिर एफ को लिखा डायगनली। फिर टी आ रहा है, टी को लिख दें डायगनली। फिर ई है, ई को लिख दें डायगनली। आर है, आर को लिख दें डायगनली। लिखना डायगनली है आपने, ऊपर नीचे नहीं लिखना। आफ्टर आ गया, फिर डी आर है, टी को लिख लें डायगनली। फिर एच आर है, फिर ई आर है, फिर टी आ रहा है, टी लिख दें। फिर ओ आ रहा है, ओ लिख दें। जी आ रहा है, जी लिख दें। फिर ए आ रहा है, ए लिख दें। देखिए डायगनली जिग जैग जैसे बना हुआ है। टोगा पार्टी, पी आ रहा है, पी लिख दें। फिर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, आप ए को लिख दें। फिर आर को लिख दें डायगनली। फिर टी को लिख दें डायगनली। और लास्ट में वाई आ रहा है तो आप वाई को लिख दें
यहाँ पर डायगनली। क्लियर। अब करना क्या है, इसको रो वाइज लिख दें डायगनली। आपने इसको लिखा और इसको पढ़ते वक्त कैसे पढ़ेंगे, इस तरह रो वाइज, जिस तरह मैं आपको एरो दिखा रहा हूँ, इस तरह इसको लिखना स्टार्ट करना है। देखें पहले क्या आ रहा है, एम आप लिख लें, एम। फिर क्या है, ई, ई लिख लें। नेक्स्ट करेक्टर क्या आ रहा है, एम, एम लिख दें। फिर क्या आ रहा है, ए, ए लिख दें। फिर क्या है, टी, टी लिख दें। फिर क्या आ रहा है, आर आ रहा है, आर को लिख देते हैं जी। नेक्स्ट करेक्टर क्या है, एच, तो एच को लिख दें। टी आ रहा है, टी लिख दें। जी आ रहा है, जी को लिख दें। पी को लिख दें। नेक्स्ट करेक्टर क्या है, एग्जैक्टली आर, आर को लिख दें। फिर क्या है, वाई। जैसे ही आपने रो को लिख लिया है, पहली रो ख़त्म हो गई है, उसके बाद फौरन ही अगली रो स्टार्ट कर दें। उसके बाद देखें क्या आ रहा है, ई आ रहा है, यहाँ पे मेरा कर्सर है इस वक्त, तो आप यहाँ ई को लिख दें। फिर क्या आ रहा है, टी आ रहा है, टी को लिख दें। नेक्स्ट क्या है, ई आ रहा है, आप ई को लिख दें। फिर क्या आ रहा है, टी आ रहा है, फिर ई आ रहा है, फिर टी आ रहा है, फिर ई आ रहा है। नेक्स्ट ओ आ रहा है, तो ओ लिख दें। फिर ए है आपके पास, ए लिख दें। नेक्स्ट भी आपके पास ए है, ए लिख दें। और नेक्स्ट आपके पास क्या है, लास्ट में टी आ रहा है, तो यहाँ आप टी लिख दें। यहाँ आप एक चीज़ काउंट करें कि अल्फ़ाबेट्स को काउंट कर लें, कि टोटल जितने आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं क्या वो आपने सारे लिख लिए हैं। तो ये जो आपके पास टेक्स्ट आया है, जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये आपके पास साइफर टेक्स्ट है। क्या है, साइफर टेक्स्ट। क्लियर। तो हमारे पास साइफर टेक्स्ट आ चुका है। अब इस साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट लिखना कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि प्लेन टेक्स्ट कैसे लिखते हैं। उसके लिए हम एक यहाँ से कोई डेट, ये देखें, ये आपके पास जो टेक्स्ट आ चुका था, ये वाला, ये साइफर टेक्स्ट जो अभी हमने कैलकुलेट किया है। तो इस साइफर टेक्स्ट आपने निकाल लिया है, अगर दोबारा इसका प्लेन टेक्स्ट निकालना हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखें प्लेन टेक्स्ट मैं निकालने लगा हूँ, उसके लिए हम इस टेबल को कॉपी करके वाइट बोर्ड पे ले जाते हैं। आपने करना क्या है, सिंपली आपने ये करना है, आपने जो भी साइफर टेक्स्ट के करेक्टर्स आए हैं उनको इस तरह लिखना है डायगनली। देखें पहला करेक्टर आपके पास क्या आ रहा है, साइफर टेक्स्ट का एम है, तो आपने ये एम लिखा। ठीक, आपने क्या करना है, डायगनल एलिमेंट्स को खाली छोड़ते जाएं, जहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क छोड़ा है उसको मैंने खाली छोड़ा। नेक्स्ट करेक्टर क्या है, ई, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया, डायगनल एलिमेंट को खाली छोड़ा, क्वेश्चन मार्क लगाया। फिर क्या आ रहा है, एम आ रहा है, एम को आपने नेक्स्ट पोजिशन पर लिख दिया। फिर डायगनल एलिमेंट्स को इस तरह खाली छोड़ते जाएंगे और तमाम एलिमेंट्स को लिखते जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि कितने आपने कॉलम्स बनाने हैं। तो कॉलम्स के लिए आप यहाँ से काउंट करें तो आपके कितने कॉलम बनते हैं, देखें ये 1, 2, 3, 4, 5,
इसी तरह 100 ऑन करके अगर हम करें, इसको हम काउंट कर सकते हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 कॉलम्स। तो आपने एक टेबल बना लेना है जिसमें 23 कॉलम्स, और इसमें काउंट करने 23 कॉलम है, 1, 2, 3, 4, ये देखें मैं लिख देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह काउंट करते जाएं, 6, 7, 8, 9, तो ये भी कितने बनेंगे आपके पास, 23 कॉलम्स ही बनेंगे। तो आप हर एलिमेंट को लिखते जाएं, डायगोनल को खाली छोड़ते जाएं, फिर देखें आपका ए आ रहा है, आपने ए लिखा, डायगोनल को फिर खाली छोड़ दिया, या मैंने खाली छोड़ा, फिर टी को लिखा, आर को, एच को, टी को, जी, यहाँ तक आप, जब पहली रो आपने लिख ली तो वाई तक आप लिख चुके हैं, ये यहाँ तक पी आर वाई तक, क्लियर, जहाँ तक आप लिख लें, उसके बाद जो एलिमेंट्स मिले उनको आप, जो जगह ब्लैंक्स छोड़ी थी उनको तरतीब से लिखते जाएं। तो यहाँ पे क्या आएगा, आप लिखेंगे ई, पहले जो डायगोनल एलिमेंट है ई आ जाएगा, इस डायगोनल एलिमेंट पे क्या आ जाएगा, एग्जैक्टली टी आ जाएगा, इसको अरेज करके लिखना है, जैसे मैंने देखें नेक्स्ट मैंने ये लिखा हुआ है ये टेबल, इस टेबल को आप कॉपी कर लें, और यहां पे इसको पेस्ट कर लें, बल्कि उसी पेज पे हम ले लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ये लें जी, हमारे पास जो मिसिंग एलिमेंट्स थे उनको मैंने बाद में तरतीब से लेकर, देखें पहला जो करैक्टर आ रहा है वो क्या आ रहा है, मैं आपको दिखा दूँ, ई आ रहा है, तो ई को आपने पहली पोजीशन पे लिख दिया, फिर क्या आ रहा है, टी आ रहा है, टी आपने अगला जो डायगोनल एलिमेंट आपने रखा था उसकी जगह पे लिख लिया, फिर क्या है, ई आ रहा है, ई को आपने अगली पोजिशन पर लिख दिया, फिर क्या है, ETE, थोड़ा सा इसमें ये चेक कर लीजिएगा, बहरहाल इसका मेथड यही है कि आपने मिसिंग एलिमेंट्स जो हैं उनको तरतीब से बाद में लिखते जाएं, जैसा कि आप इस टेबल में भी देख सकते हैं कि आप ने किस तरह एलिमेंट्स को लिखना है। EF आना चाहिए था, उसमें एक मिस्टेक हो गई है मेरे पास, यहाँ पे F था, ये F एलिमेंट्स था, इस ETEF ये एक मिस्टेक हुई है, इसको आपने करना है F करना है, ये F एलिमेंट था, तो देखें ये F आपका यहाँ पे आ गया मिसिंग एलिमेंट। अगला करैक्टर E आ रहा है, तो आप देखें यहाँ पे आपने E को लिख लिया, फिर टी आ रहा है, तो नेक्स्ट जो मिसिंग एलिमेंट्स था उसको लिख दिया। तो तमाम जब मिसिंग एलिमेंट्स को लिख देंगे फिर आप इसको जिग जैग रीड करें, तो देखें एम ई डबल ई टी ये क्या बन गया, मीट, फिर एम ई मी, ए एफ टी ई आर, डायगोनली जिग जैग रीड करना है, आफ्टर फिर टी एच ई डी, टी ओ जी ए टोगा, पी ए आर टी वाई, क्लियर। तो इस तरह आप इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन को परफॉर्म कर सकते हैं, आप इसकी नेट से भी हेल्प ले सकते हैं, और मैंने आपको जो नोट्स दिए हैं उसमें एग्जांपल मौजूद है, आप उसको भी देख सकते हैं। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताएं, उसको मैं आंसर करूँगा, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर